अनगढ़ा प्रखंड समेत रांची सहित अन्य राज्य के 26 जिले में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी ने प्रपत्र 5 में निर्वाचन का सूचना प्रकाशित की। इसके साथ ही नामांकन फॉर्म की बिक्री और पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मालूम हो कि राज्य के 16 जिले में 50 प्रखंड की पंचायतों की चुनाव है। इसमें रांची जिला के 5 प्रखंड शामिल है। दूसरे चरण में 27 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 28 से 30 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 2 मई को अभ्यर्थी सुबह 11 बजे से दिन के 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। 4 मई को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 19 मई को मतदान और 22 को मतगणना का कार्यक्रम निर्धारित है। अनगढ़ा प्रखंड में तरबूज की खेती कर रहे किसान आत्मनिर्भर महिला कृषक ममता दीदी खेती के लिए कर रहे हैं प्रेरित। तरबूज की खेती कर प्रखंड के किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में यहां के कई किसान आज तरबूज की खेती से अपनी आय बढ़ा रहे हैं। खासकर हैसल गांव के दर्जनों किसान आज तरबूज की खेती कर आर्थिक रूप से मजबूत बनने की ओर अग्रसर है। महिला कृषक ममता दीदी द्वारा तरबूज की खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्थान सिंजेटा फाउंडेशन एवं LGF किसान को प्रशिक्षण देकर अन्य सहयोग प्रदान कर तरबूज की खेती के लिए प्रेरित कर रही है। ममता दीदी कहती है कि पहले खुद छोटे से भूखंड में तरबूज की खेती करने की शुरुआत की थी। बाद में IGF फाउंडेशन के संपर्क में आने के बाद उन्होंने दर्जनों किसान को इसमें से जोड़ा और खेती के लिए प्रेरित किया। पहले तरबूज को बाजार ले जाकर किसान बेचते थे, जहां उन्हें उचित कीमत नहीं मिलती थी। इससे उन्हें काफ़ी नुकसान भी सहना पड़ता था। किसान के इस परेशानी को देखते हुए बोकारो बिहार बंगाल की मीडिया से सीधा जोड़ गया है। इसका यह फायदा होगा कि किसान थोक भाव में आसानी से अपने उत्पाद को बेच पाएंगे। तमाड़ प्रखंड में जीप सदस्य के लिए दिलीप सेठ का किया गया नामांकन। तमाड़ प्रखंड अंतर्गत चारजमडी गांव के दिलीप सेठ ने तमाड़ मध्य में जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन उपायुक्त कार्यालय निर्वाचन प्रशाखा रांची में नामांकन दाखिल किया। तमाड़ प्रखंड को जिला परिषद के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। तमाड़ पूर्वी अनुसूचित जनजाति महिला, तमाड़ पश्चिमी अनुसूचित जनजाति अन्य तथा तमाड़ मध्य से अनुसूचित जाति अन्य आरक्षित सीट निर्धारित है। इसे निर्मित दिलीप सेठ ने तमाड़ मध्य में अपना नामांकन जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। इस दौरान क्षेत्र के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। तमाड़ प्रखंड में अंचलाधिकारी विमल सोरेन ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए बुधवार को तमाड़ के विभिन्न पंचायत से 12 लोगों ने मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें परासी पंचायत से रीता देवी, मानकीडी पंचायत से सत्यभामा नाग, पुंडीदरी पंचायत से लक्ष्मीकांत मुंडा, उलीडी पंचायत से राहुल कुमार सहित अन्य शामिल है। प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिजा शंकर ने बताया कि 13 लोगों ने वार्ड सदस्य के लिए अपना नामांकन दाखिल कराया है। बुंडू अनुमंडल में आज बुधवार को 4 प्रखंडों को मिलाकर कुल 15 प्रत्याशियों ने प्रखंड समिति सदस्य पद के लिए नामांकन कराया। बुंडू अनुमंडल के 4 प्रखंडों को मिलाकर कुल 15 प्रत्याशियों ने पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नामांकन करवाया। इनमें बुंडू प्रखंड में 2, तमाड़ में 3, सोनाहातू में 7 और राहे प्रखंड में 3 नामांकन दर्ज कराए गए हैं। इधर बुंडू सीओ राजेश डुंगडुंग ने बताया कि बुंडू प्रखंड में कुल 5 मुखिया प्रत्याशी और वार्ड सदस्य के लिए 7 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। अनगढ़ा प्रखंड में प्रेमिका सहित 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शल कट्टर टोली निवासी विजय महतो की संदेशपद मौत के मामले में पुलिस का अनुसंधान जारी है। अनगढ़ा थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि मामले में मृतक के परिजनों के आवेदन पर हत्या की नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मृतक की कथित प्रेमिका, उसके पिता, चाचा समेत अन्य 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ग्रामीण SP स्वयं मामले पर नजर रखे हैं। अधिकारियों ने किसी भी निर्दोष पर पीड़क कार्रवाई नहीं करने की निर्देश दी है। इधर युवती की शादी भी टूट गई है, साथ ही साथ बारात सोमवार को आने वाली थी। युवक की मौत व युवती की शादी टूटने से स्थानीय लोग व्यथित है। विजय महतो का शव सोमवार को उसके ही घर के छत से संदिग्ध स्थिति में पाया गया था। पुष्पा महतो का तीसरा पुत्र विजय दुमका स्थित मनी टूल्स के 3rd सेमेस्टर का छात्र था। और मांझी प्रखंड के कुचू ग्राम में बाइक पर चढ़ा हाईवा बाल बाल बचे माँ एवं बेटा। और मांझी प्रखंड के कुचू ग्राम के समीप
हाइवा ने बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बाइक सवार बाल बाल बच गए। बाइक पर ग्राम मधुकोमा निवासी नीरज मुंडा व उसकी मां सनीचरिया देवी सवार थी। दोनों हाइवा के धक्के से काफी दूर सड़क किनारे जा गिरे, जिससे दोनों की जान बच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त हाइवा व बाइक को जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार नीरज मुंडा माँ के साथ कुछ काम से कुचू गांव आया था, वहां से लौटने के क्रम में हादसा हो गया। सिली प्रखंड में आज बुधवार को निशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन किया गया। सिली प्रखंड में आज बुधवार को सिली मंडल के अंतर्गत लोटा पंचायत भवन में निशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल के द्वारा किया गया। शिविर का उद्घाटन लोटा पंचायत समिति अंजना देवी एवं पूर्व उप मुखिया जगदीश महतो ने किया। शिविर में 100 लोगों की आंख की जांच की गई, जिनमें से 45 लोगों में मोतियाबिंद का शिकायत पाया गया। वहीं डॉक्टर कविता शास्त्री ने जांच की। शिविर को सफल बनाने में भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद साहू, प्रेमचंद्र लोहरा, लकीराम नायक, कोऑर्डिनेटर राज साहू कश्यप समेत अन्य लोगों का सराहनीय योगदान रहा। सिल्ली प्रखंड में आज बुधवार को सिल्ली के लापुंग निवासी संजय कुमार कर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। 2 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर सिल्ली लापुंग निवासी संजय कुमार कर ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा रांची एसएसपी को लिखित आवेदन देकर मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए गुहार लगाया है। ज्ञात हो कि पिछले 11 फरवरी को संजय कर अपने घर पर प्लास्टर का काम करवा रहा था, उसी क्रम में बमकिन कर तलवार लेकर आ गया और अचानक तलवार से वार करने लगा। बचाव करने आई उनकी पत्नी पूजा कर एवं 2 भाभी रूपा कर एवं समाप्ति कर, बड़े भाई दीपक कर एवं भतीजा शंकु कर पर वार कर दिया। इस घटना में सभी घायल हो गए। वहीं घायल दीपक शंकु कर की हालत गंभीर है। प्राथमिकी में बमकिन कर एवं उनकी पत्नी शिखा कर, पिता गोलक बिहारी कर के अलावा तमाल कृष्ण कर को भी आरोपी बनाया है। वैसे सिली पुलिस ने तमाल कृष्ण कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।